एक बार फिर तेज रफ्तार सुपर बाइक युवक की जिंदगी पर भारी पड़ गई, जिससे उसकी जान चली गई। घटना दिल्ली के मंडी हाउस की है। गाजी, लक्ष्य और हिमांशु नाम के तीनों युवक दिल्ली के कनॉट प्लेस से रात 9:45 बजे अपनी सुपर बाइक लेकर मंडी हाउस की तरफ निकले। लक्ष्य के हेलमेट में कैमरा लगा हुआ था, जिससे वो अपने आगे चल रहे दोस्तों को रिकॉर्ड कर रहा था। तभी मंडी हाउस के पास हिमांशु की बाइक ने सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे हिमांशु की बाइक सड़क पर फिसलने लगी और हिमांशु लेडी इरविन कॉलेज की दीवार से टकरा गया। बाइक फिसलते हुए कुछ दूर तक चली गई। 24 वर्षीय हिमांशु को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल आते आते हिमांशु की मौत हो गई। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है जब तेज रफ्तार ने किसी की जान ली है। ना जाने आज तक कितने हिमांशु इस कहर का शिकार बन चुके हैं। और इन सब घटनाओं को देखते हुए सवाल यह भी उठता है कि क्या आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं होते, या ऐसे बाइक सवार किसी पुलिस की नजरों में नहीं आते। सवाल अनेक हैं, लेकिन हल सिर्फ एक ही है। सावधानी बरतिए, जिंदगी अनमोल है, इसे इस तरह के शौक पूरे करके ना गवाएं। और बाइक स्कूटी जैसे वाहन चलाते हुए हेलमेट जरूर पहने, बिकॉज लेट इज ऑलवेज बेटर देन नेवर। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।